अपने बयानों से एमबीए की मुश्किल बढ़ा रहे संजय राउत महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरना था लेकिन खुद गिर गए। बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को विरोधी दलों ने सरकार को घेरने के लिए महंगाई का मसला जोर शोर से उठाने की रणनीति बनाई थी, लेकिन उद्धव सेना के प्रमुख सिपाह सलार प्रमुख प्रवक्ता संजय राउत के चोर मंडली वाले बयान ने विपक्ष के इरादों पर पानी फेर दिया। राउत के बयान के खिलाफ विधानसभा और विधान परिषद की बैठकों में सत्ताधारी दलों ने विपक्ष को ही घेर लिया। सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले विरोधी दल के विधायकों ने विधान भवन की सीढ़ियों पर बैठकर सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे, गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ाने का विरोध कर रहे थे। विपक्ष ने रणनीति बनाई थी, दोनों सदनों में गैस सिलेंडर की बड़ी कीमतों का मसला जोर शोर से उठाएंगे, लेकिन सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई विपक्ष ने राउत के बयान पर हंगामा शुरू कर दिया। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए विधानसभा में विरोधी पक्ष नेता अजीत पवार ने कहा, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 350.50 रुपए का इजाफा किया गया है। मुंबई में घरेलू गैस सिलेंडर 1100 रुपए पार हो गया है, अब बताओ इतनी महंगाई में आम आदमी के घर का चूल्हा कैसे जलेगा। राउत के चोर मंडली वाले बयान पर विधानसभा में हंगामा। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने सत्तारूढ़ शिवसेना को फर्जी और चोर मंडली चोरों का गिरोह करार दिया। उनके इस बयान को लेकर बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा में एक नया विवाद खड़ा हो गया। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। बीजेपी के विधायक आशीष सिला ने राउत की ओर से आलोचना की और उनके बयान को महाराष्ट्र के साथ विश्वासघात करार दिया। उन्होंने कहा कि विधायकों को चोर कहा जा रहा है और यह राज्य का अपमान है। बीजेपी के एक अन्य विधायक अतुल भातखट्टा ने कहा कि उन्होंने राउत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। विपक्षी नेता अजीत पवार और कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहेब थोराट ने भी कहा कि इस तरह की टिप्पणी अस्वीकार्य है। थोराट ने कहा कि यह साफ किए जाने की जरूरत है कि असल में उन्होंने राउत ने क्या कहा। वहीं सदन में किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस बारे में सभी को सावधान रहना चाहिए। हमें राष्ट्र विरोधी तक कहा गया है।